नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक परिवार में। दोस्तों आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन बड़ी कमाल की टॉपिक है दोस्तों, बड़ी कमाल की टॉपिक है। लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग का बेस होता है, लोग कहते हैं कि थ्योरी पार्ट का बेस होता है। हर जगह की बात करूं मैं, कहीं पे भी हर जगह ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो एक नाम आता है, जो मैंने प्यारा सा नाम यहाँ पे लिख दिया है, जिसको हम लोग एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। लोग सोचते हैं ये एल्गोरिदम होता क्या है। तो आज बने रहिए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। मैं बात कर रहा हूँ रत्नाकर और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। चलिए कुछ अच्छा करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें एल्गोरिदम की, तो कोई भी काम, ये मत सोचना कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इन योर नेचर। ध्यान रखना, कोई भी लाइफ में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हो रहा है अगर, तो ये समझ लो दैट इज द एल्गोरिदम, दैट इज द एल्गोरिदम। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे मान लो अगर हम लोग कहें तो एल्गोरिदम प्रेजेंट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, दैट इज द कॉल्ड एल्गोरिदम। बात समझ में आई? उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। भैया नोट करना होगा, नोट कर लेना, कोई भाव नहीं है, ठीक है, फटाफट नोट कर लेना, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, ध्यान रखना। और देखो एक्चुअली इसका प्रोग्रामिंग से रिलेशन क्या है। लोग कहते हैं ना कि भैया इसमें प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम हमें पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग में सिर्फ इसका इतना रिलेशन है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें उससे पहले एक एल्गोरिदम बनाया जाता है, ताकि हमारा प्रोग्राम एक बढ़िया, बेहतर और सुंदर बन सके, कोई भी उसमें कमी ना आए। ऐसे प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, तब जा करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये मत सोच लेना कि एल्गोरिदम ये वर्ड ही प्रोग्रामिंग के लिए बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एकदम सुंदर सा एग्जाम्पल बता दूं। जैसे मान लो आपकी शादी तय हुई, आपकी तो अभी होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन मान लो हो गई, ठीक है, ब्याह शादी तय हो गया, आपके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार मतलब जीजा और फूफा की बात हो रही है, बड़े खतरनाक होते हैं लोग, उनकी इज्जत स्पेशल करनी पड़ती है, पता है कि नहीं। मान लो आपके घर में आपके जीजू आए, ठीक है, अब उनका आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप स्वागत करेंगे, और नहीं करोगे तो पूरा मोहल्ला बता देंगे, पता है कि नहीं। गए थे तुम्हारे घर और पानियो नहीं मिला, चाहियो नहीं मिला, बढ़िया तकिया नहीं मिली, बढ़िया कम्बल नहीं मिला। अगर उनको एक भी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया, एक भी चीज़ नहीं दिया, तो साला पूरा मोहल्ला जान जाएगा, पूरा रिलेटिव्स जान जाएंगे कि भैया ये कमी इनके घर हो गई थी। तो लोग इसके लिए क्या करते हैं? एल्गोरिदम बनाते हैं, और हमारे जैसा रहेगा तो पक्का एल्गोरिदम बना लेगा कि भैया जीजा फूफा आ रहे हैं, एल्गोरिदम बना लो, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। बात समझ में आई? मान लीजिए आपके घर में एक जीजा, देखो अभी अभी इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। जीजा आपके घर आए, मान लो ट्रैवल करके आए, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, अभी एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। ट्रैवल करके आपके घर में आपके जीजा आए, आप उन्हें सबसे पहले क्या करेंगे? सीटिंग की व्यवस्था करेंगे, सीटिंग प्लान देंगे, सीटिंग प्लेस देंगे। चलो सबसे पहले आप क्या करोगे? बैठने की व्यवस्था कराओगे, फिर उसके बाद उनके लिए आप क्या करोगे? फिर उसके बाद उनके लिए क्या करोगे? आप उनके लिए पानी की व्यवस्था करोगे, ठीक है, मैं एकदम ठेठ में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। पानी की व्यवस्था करोगे, पानी के साथ साथ मिठाई भी चाहिए, मिठाई नहीं दोगे तभी दिक्कत, हम आए हैं उतना देर से सिर्फ पानी पिला दिया हमको, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे लोग? उनको चाय पिलाते हैं, ठीक है, चाय पिला देंगे। फिर उसके बाद चाय पिलाने के बाद अब क्या खाएंगे? जीजा खाना खाएंगे, बड़ा प्यार से पूछना पड़ता है, खाना नहीं खाएंगे, बात समझ में आई। उसके बाद मान लो लंच कर लेंगे, रात का समय रहेगा तो डिनर कर लेंगे, ठीक है, लंच कर लिया उन्होंने, बात समझ में आई, लंच कर लिया। लंच करने के बाद अब उनको चौड़ियाने के लिए जगह चाहिए,
आपके घर में जगह है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, उनको चौड़ियाने के लिए जगह चाहिए, तो आप उनके स्लीपिंग की व्यवस्था करेंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे। बात समझ में आई? क्या करेंगे आप? स्लीपिंग की व्यवस्था करेंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। चलो मान लिया सोने के लिए दे दिया, जब वो चौड़िया गए तब कुछ करो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जीजा फूफा है ना। बात समझ में आई? उनका कुछ रहे चाहे न रहे, उनका एटीट्यूड एकदम सीना 56 इंच नहीं 86 इंच का सीना चौड़ा रहता है उन लोगों का, जान लो। अगर उस ससुरारी में चले जाते हैं तो ससुरारी जाने के बाद उनका जो है और भावकाल बढ़ जाता है, भले घरे कुछ मिले चाहे न मिले। बात समझ में आई? ये आपका देखो, अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कह सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कोई भी चीज, मान लो क्या हुआ, ये स्टेप फर्स्ट हुआ, ठीक है, ये स्टेप आपका सेकंड हुआ, और ये स्टेप आपका थर्ड हुआ, ठीक है, ये स्टेप आपका फोर्थ हुआ, और ये स्टेप का आपका क्या हुआ, फिफ्थ हुआ, और ये स्टेप आपका सिक्स्थ हुआ। यानी कि कंप्लीट 6 स्टेप में हमारे घर में जितने रिलेटिव्स आएंगे सबकी व्यवस्था हम कर देंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं तो अगर इसमें से एक ठो काम कम हुआ ना तो मुंह फूल जाएगा, कुछ और फूल जाएगा, हम नहीं बताएंगे अब काका फूलता है उन लोगों का। बात समझ में आई? एक को कम नहीं होना चाहिए, बवाल मच जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। एल्गोरिदम में हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, दैट इज द एल्गोरिदम। इस बात को ध्यान में आप रख लेना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिदम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें आपके बुक के एग्जाम्पल की, किसकी बात करें, बुक के एग्जाम्पल की बात करें। अच्छा, मैं उससे पहले एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि एल्गोरिदम बनाने के बाद फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गोरिदम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग, बट ये तो जान लो आप कि एल्गोरिदम कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट होता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है कैसे अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बस एक मिनट में। हाँ, ये देखो, ये मैंने एक आप लोगों के लिए छोटा सा इमेज रखा है। अब इस इमेज में हो क्या रहा है ये समझ लो थोड़ा सा। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सबसे पहले बनाया गया एल्गोरिदम। क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम यहां पे फाइंड करना है। अब एल्गोरिदम कैसे बनाया गया कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग रीड करेंगे, फिर हम लोग सी इज इक्वल टू ए बी प्लस करेंगे, यानी पर्टिकुलर, फिर प्रिंट सी करेंगे, देन स्टॉप करेंगे। बात समझ में, देन हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसी 5 स्टेप में अब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है। ध्यान से मेरी बात समझ लो, इसी 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है हमारा। उसके बाद बनता है फ्लो चार्ट। क्या बनता है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट का मतलब होता है इन्हीं सारी चीजों को हम लोग शेप में दे देते हैं, बात खत्म, दैट इज द फ्लो चार्ट। बात समझ में आई? यहां पे स्टार्ट दे दिया, यहां पे रीड दे दिया, यहां पे आपका पर्टिकुलर, यहां पे राइट, और यहां पे स्टॉप, यानी कि 5 स्टेप देखो यहां पे भी है। और वैसे ही एकदम सेम कंडीशन में हमारा एकदम बेस्ट प्रोग्राम बन जाएगा। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया और यहां पर्टिकुलर आपका, यहां पे रीड कर दिया और यहां पर्टिकुलर कर दिया, यहां पे आपका स्टॉप कर दिया, दैट इज द प्रोग्राम ऑफ सी। ये सी का प्रोग्राम है। बात समझ में आई, किसका प्रोग्राम है, ये सी का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक फ्लो चार्ट और एक एल्गोरिदम और एक फ्लो चार्ट काम करता है। इस बात को ध्यान में आप रख लो और कभी जिंदगी में मत भूलना, भूल गए ना तो हम लोग भूल जाना। बात समझ में आई? लेकिन एक बार चैनलवा को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ये मत भूलना, चाहे कुछ भूल जाना, और शेयर कर देना अपने दोस्त को, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट से एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से प्रोग्राम, ये क्लियर हो गया। एक चीज और जान लो, एक एग्जांपल इसका और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी कॉलिंग टू योर फ्रेंड बाय एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के माध्यम से आप क्या करो, अपने दोस्त को फोन करो। बात समझ में आई? अपने दोस्त को फोन करो तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोन को चेक करते हैं, चेक योर फोन, ठीक है, चेक योर फोन। भैया फोन आपका ऑफ है या ऑन है, ऑन है और ऑफ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बटन दबा के चेक करते हैं कि जिंदा है फोनवा कि मर गया है। पहले यही करते हो ना, किसी को फोन करना रहता है तो
का करते हो, पहले चेक करते हो लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, तबन फोन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो क्या करेंगे, प्रेस ईच डिजिट ऑफ नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को प्रेस करेंगे। जैसे मान लो 800, 900, 1200, 1815 मेरा नंबर आप लोग जानते हो, तो क्या करेंगे ये लोग, यहां पे नंबर को प्रेस कर देंगे 8009012815। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो, प्रचार भी हो गया ना, चलो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रेस इस डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, वो बंदा हो सकता है कहीं और लगा हो, जरूरी नहीं है कि खलिया बैठा हो आपके फोन के लिए, कहीं और लगा हो, नहीं लगा हो तो स्विच ऑफ किया हो, बात समझ में आई। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले टारगेट पर्सन को, जो टारगेट पर्सन होता है, टारगेट पर्सन को बेल जाने का, वेट फॉर बेल, बात समझ में आई। हम लोग क्या करते हैं, टारगेट पर्सन को बेल जाने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद यदि वो बिजी है तो वेट 5 मिनट्स एंड अगेन कॉल, ठीक है। अगर वो बिजी है कहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वेट 5 मिनट्स एंड अगेन कॉल, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो कॉल को रिसीव करता है, ध्यान रखना इस चीज को, हाँ वो क्या करता है, वो कॉल को रिसीव करता है, और रिसीव के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसीव कॉल करता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉकिंग यानी टॉक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बात समझ में आई। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एल्गोरिदम है जो कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी को फोन कर सकते हैं एल्गोरिदम के माध्यम से, किसके माध्यम से, यह एक अच्छा एग्जांपल है ना, एक अच्छा एग्जांपल ये भी एल्गोरिदम का है, इस चीज को आप जान लो, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है दोस्त। एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसका कुछ एडवांटेज बता दो, कुछ डिसएडवांटेज बता दो, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें बता ही देते हैं आपको कुछ, कि इसके सिम्पटम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है भाई, इसके लक्षण कौन कौन से, कोरोना के लक्षण है ना, खांसी जुखाम बुखार, अपने आए तो खांसी, दूसरे को आए तो कोरोना, कोरोना नहीं कोरोना, ठीक है कोविड, बात समझ में आई। तो यहां पे वही चीजें हम लोग देख रहे हैं, हम बताएंगे सिम्टम्स ऑफ, सिम्टम्स ऑफ एल्गोरिदम, बात समझ में आई। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम के लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं कि जिनकी वजह से एल्गोरिदम अपना बेस्ट वर्क करता है, यह जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले होता है फिनिटीनेस, ये फिनिटीनेस मतलब होता है कि जो भी आप स्टेप लिख रहे हो, ध्यान रखना इस चीज को, जिनका कम से कम स्टेप में हो, अब जी जाएंगे थोड़ा सोचोगे 50 फलाना डिमा का क्या मांगना पड़े, बवाल करना पड़े, जान जाएंगे बड़ी बेइज्जती होगी, तो कम से कम स्टेप में अगर आप उसी चीज को डिस्क्राइब कर लेते हो, उसी चीज का आप एल्गोरिदम बना लेते हो, कम से कम प्लेस में, कम से कम स्टेप में, दैट इज द बेस्ट फिनिटीनेस ऑफ एल्गोरिदम, इसके माध्यम से हमारा बेस्ट एल्गोरिदम बन सकता है, इस बात को ध्यान में आप रखो। दूसरा हम लोग कह सकते हैं इनपुट, सीधी सी बात, एक बात और जान लो कि भैया अगर हम तुमको बाबू कहेंगे तुम भैया कहोगे, लेकिन हम तुमको अगर हड़का के बोलेंगे तो तुम कम हो, का कम नहीं होना, बात जाओगे तुरंत, चाहे कोई भी रहे, बस वही चीज, हम जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट मिलेगा, एकदम सीधा सा फंडा है। हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छी एल्गोरिदम बनाने के लिए हमें अच्छा इनपुट देना पड़ता है, एक अच्छी एल्गोरिदम बनाने के लिए एक अच्छा इनपुट देना पड़ता है, और एक अच्छी एल्गोरिदम पाने के लिए, एक अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें अच्छा आउटपुट भी लेना पड़ता है, तो ये भी इसका बेस्ट सिम्टम्स है, ध्यान रखना इस चीज को, ये भी आपका क्या है, हम ये बेस्ट सिम्टम्स है। एक चीज और लिख सकते हो सिम्टम्स में, इफेक्टिवनेस, ये भी डाल लो आप, चलो इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो सीधी सी बात है, अब उसमें यह नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह घुमा घुमा के लिखते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर आ रहा है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो बच्चा, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरे में। एक अच्छी एल्गोरिदम बनाने के लिए एक अच्छा एल्गोरिदम वही होता है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है,
एक अच्छा एल्गोरिदम वही होता है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो इफेक्टिव होता है, जिसको देखने के बाद खुशी मिलती है। ऐसी बात नहीं कि हमें दुखी मिल जाए, खुशी की जरूरत है, दुखी की जरूरत नहीं है, शांति रूप से काम कर लो। आज समझ में आई? दैट इज द सिम्टम्स ऑफ एल्गोरिदम। इस चीज को ध्यान में रखो। अगर कोई पूछे कि कहां कहां यूज होता है, तो कहां कहां बताओगे? एक बार बता देना, बच्चा तुम्हारे जिंदगी में यूज होता है। पहली बात, ब्याह शादी करना है तब वो यूज करना पड़ेगा। एक बढ़िया जो मैथमेटिशियन होता है ना, सबसे पहले वो अपने कॉन्सेप्ट को राइट साइड में, अपने दिमाग के राइट साइड लेफ्ट साइड में बना लेता है कि मेरा जो सोल्यूशन ऐसे ऐसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने मैटर को लिखेंगे, फिर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, देन हम लोग रिजल्ट देंगे। दैट इज द बेस्ट वे, सबसे बेस्ट वे होता है, और इसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, एक कंप्यूटर साइंस, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी सबसे पहले आपका क्या करता है, एल्गोरिदम बनाता है। फेसबुक की बात कर लो, सोशल मीडिया की बात कर लो यार, कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया की बात कर लो, उसमें जब तक हम लोग एल्गोरिदम के माध्यम से एंट्री ना करें, आप कभी एंट्री कर ही नहीं सकते हो। पहले फेसबुक में जाओगे ना, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम नहीं पूछता, मेल फीमेल आपका, और ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ पूछ लेगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए, किए ना। जब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो किए, तभी तो आप फेसबुक पहुंचे हो, नहीं तो आप फेसबुक सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने जिंदगी में अगर आपको कुछ भी बढ़िया काम करना है, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को लिखना है, या फिर जिंदगी के किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी प्री प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड प्री प्लानिंग, इसको हम लोग प्री प्लानिंग का भी नाम दे सकते हैं, कि हम लोग प्री प्लानिंग करके क्या करते हैं, अपने प्लान को सक्सेसफुल करते हैं। दैट इज द गुड वे ऑफ एल्गोरिदम। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम होता क्या है, और ये BCA के लिए भी है, ये आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है, ये आपका BSc CS के लिए भी है। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है, ये सबके लिए है, इतना जान लो। और हाँ, हर एक क्लासेस हमारे यहाँ लाइव कराई जाती हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल हैं। आपके यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यदि आपको पूरे इंडिया में कंप्यूटर का बेस्ट चैनल यही है, अगर आपको कोई भी क्लास करनी है तो आप यहां से जुड़ सकते हो। इंडिया की नंबर वन टीम के साथ आपका अपना चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु। थैंक यू, जय हिंद।